क्वेश्चन इज एंटर द नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर द नंबर इज इवन और ऑड प्रिंट एन अप्रोप्रिएट मैसेज टू द यूजर. वी हैव टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम द यूजर. यूजर से नंबर एक्सेप्ट करना है और वो इवन या ऑड है वो चेक करके उसको एक मैसेज प्रिंट करना है. सो लेट स्टार्ट. ये मैंने आइडियल ये ओपन कर दिया है, प्रोग्राम लिखा है. पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर से नंबर एक्सेप्ट करेंगे. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा है एंटर द नंबर. एंटर द नंबर यूजर को मैंने मैसेज दिया, वो स्क्रीन पे आएगा और उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, इनपुट मेथड. ओके, अगर ये आप ब्लैंक भी लिखोगे तो भी चलेगा. ब्लैंक यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, ब्लैंक रखोगे तो भी चलेगा. ये इनपुट मेथड है, मतलब हम लोगों को स्क्रीन पे क्या दिखाना है. तो मुझे दिखाना है एंटर दी नंबर. फिर जो भी नंबर वो एंटर करेगा यूजर को, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है एंड देन एन में स्टोर करना है. हो गया स्टोरेज. नाउ वी विल चेक वेदर दी नंबर इज इवन और ऑड. तो हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे. ये एन है नंबर हम लोगों का. एन मॉड्यूलस 2, इट मीन्स एन डिवाइड होगा 2 से और अगर रिमाइंडर 0 आया तो क्या प्रिंट होगा, एन द नंबर एंड देन इज इवन नंबर. अदरवाइज क्या प्रिंट होगा, एन इज ऑड नंबर. तो ये हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर देते रहे F5. ये एंटर द नंबर 7 इज ऑड नंबर. तो ये 7 कैसे आया, ये 7 इज ऑड नंबर क्योंकि ये एन लिखा है यहाँ पे. ओके, अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ. 8 इज इवन नंबर. तो ये था हम लोगों का प्रोग्राम कि हम लोगों को चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड. थैंक यू.